हृदय घात अर्थात हार्ट अटैक भनेको मुटुको कुनै पनि धमनीहरूमा 100% अवरोध भई मुटुको मांसपेशीले काम गर्न नसक्नु र अन्त्यमा सो भागको मृत्यु हुनु हो। यो हृदयघात यदि मुटुको देब्रे मुख्य धमनीमा अवरोध भएमा प्राणघातक पनि हुन सक्छ भने साना साना धमनीहरूको अवरोध भएर भएको हृदयघात कहिलेकाहीँ मानिसलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। तर ठुलो धमनीमा अवरोध भएमा छातीको बीच वा देब्रेतिर बेसरी थिचेको जस्तो दुख्छ, चिटचिट पसिना आउँछ, वाकवाक लाग्ने र बेहोस पनि हुन सक्छ। वास्तवमा हार्ट अट्याक के हो लगायतको विषयमा हामी जानकी मेडिकलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वास्थ्य परामर्शमा जानकी मेडिकल रमदैया भवानीमा कार्यरत कन्सल्टेन्ट फिजिसियन एमडी एम्स नयाँ दिल्ली डाक्टर सन्दीप महतोसँग गरिएको कुराकानी। डाक्टर सन्दीप महतो, हम एमडी इंटरनल मेडिसिन से कहने छी, जनरल फिजिशियन एम्स दिल्ली से कहकर अभी जानकी मेडिकल कॉलेज में पिछला 1.5 साल से अध्ययनरत छी। पिछला 1.5 साल में हम सब अय विशेष करी जटिल से जटिल बीरामी जे पहले से जनकपुर से बाहर रिफर होइ छले आ रिफर हुआ के क्रम में कति बीरामी के रस्ते में जान जाइ छले, वही बीरामी सब के अय हम सब सक्सेसफुल्ली उपचार कऽ कऽ अय से डिस्चार्ज कर रहल छी। अभी विशेष तऽ जटिल से जटिल बीरामी जेना हार्ट अटैक बीरामी जे पहले अय से काठमांडू रिफर करय पड़े, धरान रिफर करय पड़े, विराटनगर रिफर करे, आ रिफर करय के क्रम में कते रस्ते में उनका सबके डेथ भऽ जाए, वही बीरामी सबके अय लाइक हम सब पिछला 1 हफ्ता में 7 से 8 गो बीरामी के सफलतापूर्वक उपचार कऽ कऽ इवन एगो प्रक्रिया होइ छै एमआई में तेकरा थ्रोम्बोलाइसिस कहली, जे एगो जटिल दवाई के आ वो लाइफ सेविंग दवाई रहै छै, जे टाइम पे बीरामी के नै भेटला के कारण से ओकर जान चल जाइ छै, वही ओहन बीरामी सबके सफलतापूर्वक थ्रोम्बोलाइसिस कऽ कऽ काल्हि के दिन में हम सब डिस्चार्ज कऽ कऽ उनका सबके नया जीवन दान देने छी। डॉक्टर साहब, खास कर हम सब ग्राउंड लेवल से बात करी, जे अपने के आवाज जते व्यक्ति सुने ओ नीक से बुझे कि वास्तव में कतौ कतौ बीरामी के आ डॉक्टर के समन्वय नीक से नै भेला के बाद जेना समय में डॉक्टर लग नै पुगला के बाद कते बीमारी डेथ कऽ दै छै, ओहन अवस्था सब सृजना होइ छै। केहन अवस्था में व्यक्ति के समय में डॉक्टर लग आबक चाही, केहन सिचुएशन अतै जे नै एकरा डॉक्टर लग लऽ जाय के चाही अतै उ नीक से अपने कहती। धन्यवाद ई क्वेश्चन पूछे के लागि। विशेष तो अभी अपना आर के मधेश में साक्षरता होते नहीं छे, डॉक्टर हरेक गांव में नहीं पहुँचल छे, तो वास्तविक में वही अवस्था में जेकरा हम सब पैरामेडिक्स कहै छी, पैरामेडिक्स साथी भाई सब करै छथिन, तो उ सब प्राय मेन उनका सबके रोल छै बीरामी के, कोन बीरामी के वही उपचार कयल जाए, कोन बीरामी के डॉक्टर लग भेजल जाए, आ कोन बीरामी के डॉक्टरों में केहन किस्म के अस्पताल में भेजल जाए, लगे अस्पतालों के स्तर होइ छै। तो हम सब जे मेडिकल कॉलेज में छी, हमरा सबके टर्शियरी हॉस्पिटल छै, टर्शियरी हॉस्पिटल मतलब एहि एरिया के, एहि लोकैलिटी के जते भी अस्पताल छै ओकरा सबके रेफरल सेंटर हम सब भेली, उनका सब जरे जते भी जटिल बीरामी सब रहै छै जे सामान्य अस्पताल सब में नै हुअ वाला छै ओकरा सबके राइप का मतलब रेफर कऽ कऽ उपचार करै छी। आब अइली अपना के प्रश्न पे, कोन बीरामी के घरे भेजल जाए, कोन बीरामी के अस्पताल में भेजल जाए, या फिर कोन बीरामी ला पहिले सचेत भऽ जाए कि एकरा नहि एकरा सीरियस छथिन, इनका डॉक्टर लग भेजऽ पड़तै, इनका अस्पताल भेजऽ पड़तै। तऽ अभी पिछला ई महीना भरि मे फागुन चैत मे जे हम विशेष देखली, अभी हमरा आरके ऑलमोस्ट 60-70% बीरामी मुटु संबंधी रोग लग आयल छथिन, 60-70% बीरामी जे एगो बेसी मात्रा छै, एगो सिग्निफिकेंट अमाउंट छै अपन सोसाइटी के लागि। तऽ वही बीरामी सब ला कभी सचेत हुआ के चाही, केना के सचेत हुआ के चाही, हम अहाँ के प्रश्न कर ला चाहे छी। हार्ट अटैक के लक्षण की होइ छै, अहाँ के मुटू में दर्द होना, मुटू में मतलब छाती में अपने के दर्द होइ छै, छाती में दर्द भेल, सेंटर में दर्द होइ छै, ओ दर्द बमा दहिना हाथ के हाथों में गेल, अहाँ के फेसो में जाइ छै, पेटो में गेल, प्लस ओहि के साथ में बीरामी के उल्टी भेल, आ एते सीवियर दर्द भेल कि बीरामी छटपटा जाइ छै,
ओ भेल एगो हार्ट अटैक आयल बिरामी के, आ यदि वही में आरो यदि जटिल भ जाए तो बिरामी के बीपी गिर गेल, ओकर होश गिर जाए, बिरामी के सांस लिए में दिक्कत भेल, तो एहन बिरामी सबके अस्पताल में अथवा सामान्य लेवल के हेल्थ पोस्ट में प्राइमरी हेल्थ केयर में नहीं उपचार कर एकरा सबके तुरंत के तुरंत एगो कंसल्टेंट फिजिशियन या फिर कंसल्टेंट विशेषज्ञ वही विभाग के विशेषज्ञ ला रिफर करना जरूरी। उच्च रक्तचाप, मधुमेह र कोलेस्ट्रॉल लाई समय में नहीं नियंत्रण में राखन सके में 5 से 5 हृदय घात कम होना सकता, मोटोपन कम करने, व्यायाम नियमित करने, मानसिक तनाव होना नदिने, जीवन शैली में सुधार ल्याउने हो भने समय में नहीं यो रोगलाई नियंत्रण गर्न सकिन्छ। मुख्य भूमिका जनचेतना को कमी र यो रोग का साधारण लक्षणहरू मात्र हुने हुनाले समय में नहीं यो रोग को निदान गर्न निकै कठिन भएको हो। हृदयघात हुनुभन्दा अगाडि यसको साधारण लक्षण मात्र हुन्छ, जब व्यायाम गर्दा उकालो चढ्दा, भ्र्याङ उकाल्दा, मानसिक तनाव बढ्दा, छाती को बीच में वा देब्रेतिर भारी हुने, ढुङ्गाले थिचे जस्तो अनुभव हुने, श्वास बढ्ने तर आराम गरेपछि सन्चो हुने, कहिलेकाहीँ देब्रे हातमा वा च्यापुतिर पनि दुखाइ सरेको जस्तो पनि हुन सक्छ। यदि यस्तो लक्षण देखा परेमा तुरन्त मुटु रोग विशेषज्ञको परामर्श लिनु जरुरी छ। अधिकांश मानिसहरू यसलाई सामान्य सोचेर घरमै बसिरहन्छ र अन्त्यमा हृदयघात पनि हुन सक्छ। हृदयघात भइसकेपछि उपचार सहज हुँदैन, देब्रे मुख्य धमनीमा अवरोध भएमा समस्या झनै जटिल हुन्छ, किनकि पहिलो हृदयघातमा नै मृत्युसम्म हुन सक्छ। त्यसर्थ व्यासकहरूले कमसेकम एक पटक आफ्नो मुटुको परीक्षण गर्नु अति आवश्यक छ। मुटुमा समस्या देखिएमा नियमित जाँच गर्नुपर्छ, किनकि हालसम्म हृदयघातको मुख्य कारण थाहा छैन तर यसका कारक तत्त्वहरू मात्र थाहा छ। त्यस्तै जानकी मेडिकलमा आएका बिरामीलाई कसरी उपचार हुन्छ, पुन कन्सल्टेन्ट फिजिसियन एमडी एम्स नयाँ दिल्ली डाक्टर महतो। दोसर रोग अपने अभी जे छै रिसेंटली हमसब जे देखली दोसर छै कि हुनका सबके श्वास प्रश्वास में समस्या, जकरा हमसब दमा कहै छी। दमा में भी दू किसिम के रहल, एगो छै सामान्य दमा है आराम से ओ कर रहल छै, दोसर रहल छै दमा में भी सीरियस भ जाइ छै बिरामी। तऽ ओ सीरियस भेल बिरामी के चिन्ह के तरीका ई छै कि बिरामी के सांस लिए में अचानक से बेसी दिक्कत भ गेल, बैठलो में उनका सांस लिए में दिक्कत होइ छै, न सुत सकै छथिन न बैस सकै छथिन, आ प्लस सांस लिए बेर में उनका एते दिक्कत भेल कि उनका सब छाती जोर जोर से अथी करय पड़ै छै, आ प्लस ओ आरो जटिल भ गेल तऽ बिरामी के होश चलि गेल, बिरामी के शरीर नीला हुआ लगै छै, बिरामी के बीपी गिरे लगै छै। तऽ अभी रिसेंटली 15-20 दिन में एक महीना भीतर में ई दूगो विशेष रोग हम ई देखली कि ई बिरामी सबके देखला के बाद हरेक आदमी के सचेत भ के तुरंत से तुरंत टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल में भेजना जरूरी होइ छै। अपने जै मेडिकल में अखन काज कर रहल छी, जानकी मेडिकल में अइठाम काज कर दौरान में केहन केहन बिरामी अपने ल आयल आ ओकरा कोन तरह इलाज भेलै? अब जानकी मेडिकल कॉलेज में हम पिछला 1.5 साल से कार्यरत छी। 1.5 साल में शुरू में सामान्य बिरामी सब आयल, सर्दी बुखार, लेकिन अभी के दौरान में अभी हमरा के डेली ऑलमोस्ट 70 से 80 गो ओपीडी रहै छै, 70 से 80 ओपीडी में 15 से 20 गो बिरामी एकदम जटिल बिरामी, 15 से 20 गो बिरामी जटिल इन द सेंस ओकरा सबके हार्ट में समस्या, हार्ट फेल रहल, आ केकरो के हार्ट अटैक रहल, केकरो के आइए भरे में हमसब दुगो ILD के केकरो रोग होइ छै जो अहाँ के अपने शरीर अपने फोक्सो के हानि पुरबै छै, सेहन रोग सबके डायग्नोसिस कऽ हमसब उपचार कर रहल छी। इवन 10-15 पिछला एक महीना से हमार CT स्कैन संचालन के लिए तो बहु से हमरा सबके पहले जे रिफरल बिरामी होइ छलै अथवा आईएसए जे बाहर जाइ छलै वही में ओहू में हमसब रोक लगा के ऑलमोस्ट 100 गो में 80 बिरामी अहिए हमसब राखि लै छी, अहिए उपचार कऽ के अहिए से हमसब डिस्चार्ज कर छी। सब हम कनिक हार्ट अटैक के बारे में कनि बुझ चाहब, सब बाहरा हाला छै जे बिरामी समय में डॉक्टर ल नै पुला के बाद ओकर डेथ भ जाइ छै, ओरा एहन बिरामी के नजदीक में जत्ते जल्दी होए डॉक्टर नजदीक में जाए, हम सब सुने छी अगर नजदीक में जानकी मेडिकल में ई सेवा छै तो वास्तव में हार्ट अटैक कोनो बिरामी के अबै छै व्यक्ति के तो कते समय में डॉक्टर ल पुग जाय के चाही तो ओकर बाँचे के संभावना बेसी रहै छै? बढ़िया क्वेश्चन अपने पूछ लिए, आ प्लस
अइ हार्ट अटैक में आदमी के जते जल्दी भए सके तते जल्दी हॉस्पिटल जाए पड़ छै, कियाकि एहिमे टाइम के वैल्यू होइ छै। हार्ट अटैक में सामान्य हम सब विंडो पीरियड कहली, विंडो पीरियड मतलब ई छै कि अहाँ के मुटु में दर्द शुरू हुए के क्षण से कई घंटा पास भेल ओहि हिसाब से एकरा विंडो पीरियड कहल जाइ छै। सो अहाँ के यदि अभी मुटु में दर्द शुरू भेल आ ओहि दर्द शुरू भेला के 12 घंटा भीतरी में अहाँ अस्पताल में पहुँच गेली, तभी हम सब एगो दवाई दै छी, लाइफ सेविंग दवाई जेकरा हम सब टेनेटिप्लेज अल्टीप्लेज कहली, जे ओ जाम भेल नली के फुटाबे के काम करै छै। तो यदि कोई बिरामी 12 घंटा भीतरी में चल अली आ प्लस प्रिफरेबली जते जल्दी भ सके, मानू अभी दर्द भेल आधा घंटा भीतरी चल अली या फिर 10 मिनट भीतरी चल अली, तो जते जल्दी अस्पताल आब सके आ जते जल्दी उनका वो दवाई मिल जाए तते बढ़िया रिकवरी होइ छै, जते लेट भेल तते रिकवरी होय के चांसेस कनी घटल जाइ छै। तो अभी जेएमसी में जानकी मेडिकल कॉलेज में हम सब किस दिन में भाभी एक दू चारि महीना में 6 महीना में हम सब कैथ लैब खोलबै, खोलक के प्रस्ताव छै। आ अभी के लागी हार्ट अटैक बिरामी के हम सब थ्रोम्बोलाइसिस कैली, मतलब एगो दवाई से ओ जाम रास्ता के खोलाबे के हम सब उपचार करब शुरू कर देने छी। त्यस्तै जानकी मेडिकल में आएका बिरामीलाई कसरी उपचार हुन्छ, पुनः कंसल्टेंट फिजिशियन एमडी एम्स नया दिल्ली डाक्टर महतो। लोकल दारू की कहल छलखिन ओहि दारू मे ऑर्गेनोफॉस्फेट कीड़ा मारा वाला दवाई छै, ओ दवाई पी कऽ आयल छै। रियली तहिया हिनकर होश चेतना जे छै से बहुते कम रहै, जे हमसब मेडिकल टर्म मे कोमा मे बुझू, दू दिन हिनकर पूरा होश नहि रहै। हिनका वेंटिलेटर पर डाललियै, ओहिके बाद दवाई शुरू केला के बाद 8 से 9 दिन वेंटिलेटर पर रहला के बाद आइ हिनका धनुषा जिल्लाको श्रीश्वरनाथ नगरपालिका रमदैया भवाडी स्थित रहेको जानकी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीका कुरवाहरू घर में कुछ खेला के बाद मतलब हल्का दारू पी के अब 2-3 दिन तक घर बातचीत, तो वही के लिए कौन जैसे कहना है वो दवाई मतलब आप दारू में मिला रहा है कि अलग से खेना से आप मौसम के स्पष्ट मालूम नहीं है, मगर ले ली तो अवस्था तरह गंभीर है, मगर अभी 10 दिन के बाद लगभग एकदम ठीक ठाक अवस्था में चल रहा है। एहिठाम अयलाक बाद केहन एहिठाम के सेवा सुविधा पेली अपने? सेवा सुविधा लगभग ठीक ठीक है, डॉक्टरों साहब एकदम बढ़िया, जैसे पेशेंट के तो हालत जल रहा है तो हम सुन तो रियासत कर देने की आप चांस नहीं है, मगर बढ़िया का चलते है हम करी आप बचबे नहीं करो धन भाग के सर मिल गए कहते अखिलते बाहर ना कर, वो दिन तक घर में रहती तो खत्म रहती, तो संदीप सर कहते कि अखिलते आन के बाहर ना कर, भरना के लिए ओहि दिन तो हमरा बुझाए कि भगवान चलि आयल हम नहि रहे तो हमरा क्रिया क्रिया सब रहती घर की भेल रहे चीनी के वजह से आ थायराइड के वजह से पूरे सीरियस अखन के नहि अखन तक बहुत सुधार